रामपुर जिला अस्पताल के पास मोहल्ला बैरियान और तिलक कॉलोनी के बीच बनी दुकानों में देर शाम भीषण आग लग गई। मैता तेल के ड्रमों के साथ रखे टिनर के ड्रमों में भीषण आग लगी। आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया। जनपद के आला अधिकारी भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। भीषण आग ने मैथा गोदाम के साथ ही आसपास के कई घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। भीषण आग के चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलावा नगर पालिका की कई गाड़ियां और रेडिको खेतान का आग बुझाने वाला केमिकल फॉर्म भी कई हजार लीटर इस्तेमाल किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह मेथा का गोदाम था जिसमें कई कुंटल मेथा रखा हुआ था जिसमें आग लग गई। ये आग केमिकल की आग थी। उन्होंने बताया कि आग को बुझाने के लिए पानी पर्याप्त नहीं था, इसलिए फॉर्म की व्यवस्था की गई। फॉर्म के माध्यम से इस आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इसमें स्थानीय फायर सर्विस के अलावा मुरादाबाद से भी अधिकारी आए। इनमें उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर लगभग 3-4 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि थर्मल हीट की वजह से आसपास के मकानों को भारी क्षति हुई है। बताया गया कि अभी तक किसी भी व्यक्ति के फंसे होने या जानहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। यहाँ बेरियान मोहल्ले में एक बताया जा रहा मेंथाल का गोदाम, इसमें कई घर मेंथाल रखा हुआ था, इसमें आग लगी। तत्काल पुलिस प्रशासन फायर सर्विस के लोग मौके पे आए, क्योंकि ये आग केमिकल की आग थी, इस नाते इस पर काबू पाने के लिए पानी पर्याप्त नहीं था। फिर फोम की व्यवस्था की गई और फोम के माध्यम से इस आग पर काबू पाया गया। उसमें हमारे फायर सर्विस के अलावा मुरादाबाद से भी लोग आए। सर, कितनी गाड़ियां आई है मुरादाबाद से? तथा स्थानीय जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री में जो उनके पास इक्विपमेंट थे और खास करके फोम का जो सिस्टम है उसको हमें उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से ये आग और बड़ा रूप नहीं ले पाई। सर, मुरादाबाद जनपद से कितनी गाड़ियां आई हैं? कितने मकान इसकी चपेट में आए? देखिए, इसमें सीधे तौर पे अभी आपने देखा पीछे की तरफ उस गोदाम के आसपास की 3-4 दुकानें जली हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो थर्मल हीट है उसकी वजह से पास पड़ोस के कई मकानों को भी क्षति हुई। सर, किसी मकान में कोई व्यक्ति की कोई अभी तक किसी व्यक्ति के फंसे होने की या जनहानि की सूचना नहीं है। पीछे के मकानों को भी हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने और तहसीलदार साहब ने पीछे तक जाकर सबसे बात कर ली। सबके मकानों का कोई व्यक्ति उस मकान में नहीं है और किसी के जलने की सूचना या घायल होने की तरह की सूचना फिलहाल अभी हमने नहीं। सर, मुरादाबाद जनपद या अन्य जनपदों से कितनी गाड़ियां आई गई हैं? मुरादाबाद जनपद से उनका एक होम का जो स्पेशल टेंडर होता वो था और उनकी अपनी पानी वाला जो टैंकर वो भी आया था। CFO मुरादाबाद ही हमारे जनपद के भी प्रभारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ CFO का पद खाली चल रहा है, तो स्वयं आए थे। तो उनकी टीम ने और हमारे SSO की टीम ने काफी प्रयास किया, जिसकी वजह से इस आग के काबू पाया गया। सर, बताया जा रहा है यहाँ पर जिस तरीके से ये कारखाना है मेहनता का, वो अवैध रूप से? देखिए, कारखाना तो नहीं है लेकिन गोदाम है, और इस रिहायशी इलाके में इस तरह का गोदाम मैंने बताया, इससे पहले भी कुछ साथियों ने आपसे पूछा था कि ये सारा विषय अभी बात का। अभी तत्काल हमारा उद्देश्य ये था कि हम आग की पेरी-पेरी पे काबू पाएं। हमने पेरी-पेरी पे काबू पाया, फिर धीरे धीरे अब हम सेंटर की आग को कूल करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिससे कि बाहर के लोगों को क्षति कम से कम। बाद कूलिंग हम आगे हमारी जो फायर सर्विस की टीम है, स्थानीय पुलिस की टीम है, स्थानीय प्रशासन की टीम है, वो इस बात की जांच कर लेगी कि हाँ उन्होंने स्टोर किया था, वो कितना विधि थे, कितना गैर विधि थे, और उसके अनुरूप भी कार्य।